नमस्कार। मन की कार्यप्रणाली को समझेंगे, फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा मन उस समय कैसा था जब हम बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, उस समय मन कैसा था। और अगर उसको समझ जाएंगे, उसको जान जाएंगे, तो हमें मन की कार्यप्रणाली समझना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी बच्चा आप देखें, बहुत सरल, सहज, निर्मल और अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसी मन होता है। बहुत सहज, सरल, निर्मल और अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ। जैसे ऐसे बच्चा बड़ा होता है, उसको जो वातावरण मिलता है परिवार में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में, स्कूल में, जैसे जैसे जो जो वातावरण उसको मिलता है, वैसे वैसे उसका मन फिर बनना शुरू हो जाता है। अगर उसे अच्छी चीज़ें फीड की गई हैं, अच्छी चीज़ें उसके मन में डाली गई हैं, तो उसका मन उत्साहित, ऊर्जावान और अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। और अगर गलत चीज़ें उसके मन में डाली गई हैं, जो कि जाने अनजाने हम लोग डाल देते हैं, कई गलत चीज़ें बच्चे से बोलते हैं, और जब गलत चीज़ें बोलते हैं तो वो बच्चे के मन में बैठती चली जाती हैं। अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो वो भी बैठती हैं। अब होता क्या है, जितना ज़्यादा हम बच्चे से गलत बोलेंगे या आस पड़ोस वाले या कोई भी लोग गलत बोलेंगे, तो वो छाप बच्चे के मन पे पड़नी शुरू हो जाती है और वो इतनी गहरी हो जाती है कि उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। फिर आगे चल के वो बच्चे का बिहेवियर वैसा हो जाता है, वो वैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मन जैसा था, हम मन को उसी स्थिति में पहुंचाएं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी कई चीज़ें परिपक्व हो जाती हैं, कई आदतें परिपक्व हो जाती हैं, कई धारणाएं परिपक्व हो जाती हैं, कई विचार परिपक्व हो जाते हैं और हम उनको जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो सही हो या नहीं हो। उसके बाद क्या होता है कि हमें कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट करने में समय लग जाता है, नई चीज़ को समझने में समय लगता है। इसलिए जल्दी से हम दिशा परिवर्तन नहीं कर पाते, और जब ऐसा होता है तो हम एक, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में होते हैं, हम सही चीज़ को एक्सेप्ट करने में समय लेते हैं। हम पहले अपने मन को समझें कि मन बिल्कुल सरल है, सहज है, निर्मल है, कोमल है, और जब उसको उस स्थिति में रखेंगे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, शक नहीं करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, किसी भी चीज़ को अनुभव करेंगे, किसी भी चीज़ को स्टडी करेंगे। स्टडी करना ज़रूरी है, शक करना ज़रूरी नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि मन को जितना हम सरल करते चले जाएंगे, जितनी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तो हमारे परिणाम में परिवर्तन आएगा और परिणाम अच्छे होंगे। तो मन को अगर समझना है, मन के कार्यशैली को समझना है, तो मन की कार्यशैली सिर्फ इतनी है कि मन बहुत सहज और सरल चीज़ है, जो इसमें फीड कर दिया जाता है ये उसी का को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी का हमें परिणाम ला के देता है। जैसा जैसा जो जो हम फीड करते चले जाएंगे, उसका परिणाम हमें देना शुरू कर देता है। तो ये मन की जो कार्यप्रणाली है, इसको अनुभव के स्तर पर लाना है। जब हम अनुभव करेंगे तो हम अपने मन की कार्यशैली को परिवर्तित कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।